थैंक यू। वो गिफ्ट वाली बात संभालने के लिए। सुहानी मान गई थी? हाँ ऑलमोस्ट। I'm sorry युवराज, वो मेरी बेवकूफियों की वजह से तुम इन सब चीजों में उलझ गए। I'm sorry, I promise आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो सौम्या, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती के लिए हाँ की, but try and understand, हम दोस्त रहें यही बेहतर होगा। Yeah, I know, तुम सही कह रहे हो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। युवराज, जब दिल टूटता है तो इंसान अपने आसपास खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। मेरे साथ अचानक इतना सब कुछ हो गया और फिर तुम मेरे सामने आए। तुम्हारी वो सारी बातें, खैर छोड़ो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो सब कुछ भुलाने के लिए। ठीक, पर सौम्या आइंदा ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखना प्लीज। या पक्का। तुम बिल्कुल सही कर रही हो सौम्या, बस इसी तरह युवराज का दिल जीतती रहो। पर दादी सुहानी का क्या करें, मुझे नहीं लगता अभी तक उसे मेरी गिफ्ट वाली बात पर पूरी तरह यकीन हुआ है। हाँ तो ना हो यकीन, करने दो उसे शक, वही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। एक बार उसके दिमाग में शक घुस गया तो फिर सारे काम हमारे होते जाएंगे। तुम उस लड़की को छोड़ो, उसे हम संभाल लेंगे। तुम सिर्फ युवराज को देखो। तुम सिर्फ हमें इतना बताओ कि शादी के पहले तुम तीनों के बीच क्या क्या हुआ था। हर वो छोटी से छोटी बात हमें बताओ जिसका इस्तेमाल करके इस शक के बीच को हम और बड़ा करेंगे। बहुत सामदाम अपना चुके हम, अब वक्त है दंड का। तुम्हारा काम तुम करना और हमारा काम हमें करने देना, समझ गई? अच्छा तुम नाश्ते में क्या लोगे? क्या कर रही थी? हम पूछ रहे थे कि तुम नाश्ते में क्या लोगे, फ्रूट्स लोगे या फिर प्राउड लोगे? कुछ भी। अरे इससे क्या हुआ अचानक ऐसे हड़बड़ा के निकल गया? फूल वाले कपड़ा? हाँ उन्हें पैक करके डिलीवर कर दीजिए, सरप्राइज है। अच्छा इसका मतलब ये है महाशय हमें कोई तो सरप्राइज दे रहे, इसलिए इतनी हड़बड़ाहट में थे। दादी इस सुहानी का करना क्या है? उसे छोड़ो, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले सौम्या और कृष्णा का चैप्टर बंद करना है। डिवोर्स पेपर आए क्या? नहीं दादी। कृष्णा से पुरानी चिट्ठियां वापस लेनी होगी, कहीं ऐसा ना हो उसका पुराना प्यार वापस उस पर हावी हो जाए। वो तो है, पर सौम्या वो लेटर्स दे ही नहीं रही। प्लीज सीधी उंगली से ना निकले,
तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रेक्स, इसमें हंसने की कौन सी बात है? इससे अच्छा काम कोई और कर ही नहीं सकता। मेनका, तुम्हें सौम्या के कमरे से चिट्ठियां चुरानी है और ये काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम ये काम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि तुम चालाक भी हो और भरोसेमंद भी। सच्ची दादी, आपको लगता है मैं चालाक हूँ? हाँ, और भरोसेमंद भी, इसीलिए तो हमने तुम्हें ये चिट्ठियों की चोरी करने का काम सौंपा है। पक्का दादी, आपको पता नहीं है मैं कितनी बड़ी चोर हूँ। आपने मुझे अपना फेवरेट बना लिया है ना, आप देखना बस आपका ये काम मैं कैसे करती हूँ। दादी, आपने ये किस पागल को काम सौंप दिया? बिल्कुल सही काम के लिए भेजा है हमने मेनका। अगर वो फंस भी गई तो सारा इल्जाम हम उसी पे डाल देंगे। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे हमें लग रहा है कि युवराज हमारे लिए वैलेंटाइन पे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी केक बना देते हैं। युवराज सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? हाँ, वैसे तुझे कैसे पता कि युवराज सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? उसने कुछ कहा तुझसे? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम कमरे में गए थे ना, तो बहुत जल्दबाजी में था और उसी चक्कर में वो अपना फ़ोन भी भूल के चला गया। उसके फ़ोन में किसी फूल वाले का कॉल आ रहा था और जाते वक्त किसी सरप्राइज की बात कर रहा था, बस फिर इसीलिए। वैसे युवराज को देख के लगता तो नहीं कि वो सरप्राइज प्लान कर सकता है? हाँ, लेकिन हमारे बर्थडे भी तो उसने सरप्राइज दिया था ना। पर फिर तू पागल है क्या? केक बना के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? जा जाके पता कर कि वो क्या सरप्राइज प्लान कर रहा है। तुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही? एक्साइटमेंट तो हो रही है, पर छोड़ना, उसे जो करना होगा वो करेगा। हेलो, हाँ कृष्णा बोल रहे हैं हम। हमने एक फ्रेश फ्रूट केक ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं आया। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक भैया, क्यों खुद को और हम सबको परेशान कर रहे हो? नहीं आने वाली वो। आएगी, जरूर आएगी वो। आज वैलेंटाइंस डे, उसने वादा किया था हमसे कि जिंदगी भर साथ देगी हमारा। हमारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। उसने हमसे जितने वादे किए थे वो सब चिट्ठी हमने उसके पास भेज दी, वो उन्हें पढ़ेगी और हमारे पास वापस जरूर आएगी। हेलो, हाँ, एक कॉन्टिनेंटल सैलेड भी ऑर्डर करनी है हमें, सौम्या को बहुत पसंद है ना, थोड़ा जल्दी करवाना। हाँ हाँ, पहले ही बहुत लेट हो गया। माँ बताओ जरा, आज के दिन पे लोग प्यार की सच्ची कस्में खाते हैं, और वो मैडम ने तो सबसे बड़ा झूठ बोला है। शर्त लगा लो माँ, वो भी 500-500 की, नहीं आने वाली वो। अरे शर्त की तो कोनो बात ही नहीं है राखी, अगर महारानी आ जाए ना
तो हम अपनी जेब से कृष्णा को 5,000 रुपए दे दें। स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।